दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बांसवाड़ा जिला दर्शन। सबसे पहले बात करते हैं बांसवाड़ा के उपनामों की। तो बांसवाड़ा के उपनाम है आदिवासियों का देश, 100 द्वीपों का शहर तथा बागड़ प्रदेश। बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है 5037 वर्ग किलोमीटर। बांसवाड़ा का नामकरण कैसे पड़ा? तो बांसवाड़ा नामकरण पड़ने के दो कारण माने जाते हैं, जिनमें पहला है बांस के जंगलों की अधिकता के कारण और दूसरा कारण है बांसवाड़ा के संस्थापक जगमाल, यानी कि बांसवाड़ा के संस्थापक जगमाल ने बांसना नामक भील को मारकर इसकी स्थापना की, अतः इसे बांसवाड़ा कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न अगर आए कि बांसवाड़ा के संस्थापक कौन है, तो उसमें नाम आएगा जगमाल का। बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में एकीकरण द्वितीय चरण में हुआ। द्वितीय चरण 24 या 25 मार्च 1948 को हुआ। दोस्तों यहाँ पर 24 या 25 इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जगह पे 24 मार्च है, लेकिन कई जगह इसका उल्लेख 25 मार्च के रूप में भी होता है। तो राजस्थान में एकीकरण बांसवाड़ा का द्वितीय चरण में हुआ, जो कि 24 या 25 मार्च 1948 को हुआ। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र, यानी कि एकीकरण हेतु जो विलय पत्र था, उस पर हस्ताक्षर करते वक्त कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये चंद्रवीर सिंह के कथन थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह राजस्थान में जब बांसवाड़ा का एकीकरण हो रहा था, उस वक्त वहां के शासक ने कहा था। बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला, यानी कि बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे दक्षिण में बसा हुआ जिला है। राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित बोरकुंडा गाँव कुशलगढ़ तहसील में है, यानी कि बांसवाड़ा की बोरकुंडा गाँव है जो कि कुशलगढ़ तहसील में, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग 26 किमी है। बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात दो राज्यों को स्पर्श करती है। माही नदी का उद्गम, यानी कि जो बांसवाड़ा के अंदर से बहते हुए आती है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की महू पहाड़ियों से हुआ है। यह बांसवाड़ा के खांडू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध स्थित है, यानी कि माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाया गया है। इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है, यानी कि यह बांध 3109 मीटर लंबा है। माही नदी को बागड़ की स्वर्ण रेखा, कांटल की गंगा आदि उपनामों से जाना जाता है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है तथा वापस दक्षिण में ही निकलती है। वैसे तो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने वाली एक चंबल नदी भी है, लेकिन वह दक्षिण से वापस नहीं जाती, यानी कि वह उत्तर पूर्व में आकर इधर उत्तर प्रदेश में जाती है, जो कि बाद में यमुना में मिल जाती है। जबकि माही नदी दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी उल्टे यू, शिवलिंग तथा एक ही आकृति बनाती है। यह नदी बांसवाड़ा व उदयपुर के बीच सीमा भी बनाती है। बांसवाड़ा में स्थित अन्य जलाशय जिनमें नाम आता है आनंद सागर, कागदी पिकअप बांध, डाइलाब झील। बांसवाड़ा में सागवान के वृक्ष अत्यधिक मिलते हैं, अतः बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान भी कहते हैं। बांसवाड़ा में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर पर कोई भी ऐसी संरक्षित जगह नहीं है जहाँ पे कि वन्य जीवों की सुरक्षा के हो। हालांकि बांसवाड़ा में जंगल है, लेकिन कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। बांसवाड़ा की वालरा, झूमिंग या स्थानांतरित कृषि, यानी कि जंगलों को काटकर की गई खेती प्रचलित है। यानी बांसवाड़ा में वालरा, झूमिंग और स्थानांतरित खेती की जाती है। बांसवाड़ा के खनिजों की बात करते हैं, तो बांसवाड़ा में सोना आनंदपुर और भूकिया क्षेत्र में मिलता है। मैग्नीज, राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज बांसवाड़ा में उत्पादित होता है। अन्य मैगजीन उत्पादक क्षेत्र में तलवाड़ा, लीलवानी, काला कुआं और नरडिया है, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। यूरेनियम कमलपुरा में मिलता है, यानी बांसवाड़ा के कमलपुरा नामक स्थान पर यूरेनियम पाया जाता है। बांसवाड़ा में खनन होने वाले अन्य खनिज ग्रेफाइट तथा माइका है। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनमें नाम आता है गोविंद गुरु का,
आदिवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना सिरोही में की। वह मानगढ़ को अपनी कर्म स्थली बनाया। यशोदा देवी की बात करते हैं। राज्य की प्रथम महिला विधायक 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनी गई थी, यानी कि राजस्थान की पहली महिला विधायक बांसवाड़ा से संबंधित थी, जो कि बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में जीती थी और वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थी। हरिदेव जोशी खाटू ग्राम में जन्मे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे विधायक है जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी रहे। यानी कि हरिदेव जोशी राजस्थान में प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार विजयी रहे। इन्होंने जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। धूलचंद डामोर यह राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं जो कि बांसवाड़ा से संबंधित है। हनुमंत सिंह छोटू के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर है जो कि 1995 से 2002 तक मैच रेफरी भी रहे, यानी कि राजस्थान के बांसवाड़ा में ही हनुमंत सिंह का जन्म हुआ था। ये छोटू नाम से प्रसिद्ध थे और भारतीय क्रिकेट की टीम में क्रिकेटर रहे। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं, जिनमें पहला आता है मानगढ़। 17 नवंबर 1912 को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हजारों आदिवासियों पर फायरिंग की गई। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जिसमें 1500 भील मारे गए। माघ पूर्णिमा को इसकी स्मृति में मेला भरता है, यानी कि अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1912 को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हजारों आदिवासियों पर फायरिंग की थी। तो उसमें मानगढ़ जैसे गोविंद गुरु की कर्म स्थली भी रहा है, तो इसलिए मानगढ़ का नाम प्रसिद्ध है। यह एक ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल में है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। छींच का ब्रह्मा मंदिर, यह मंदिर 12वीं सदी में छींच ग्राम में बना, जिसमें ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना महारावल जगमाल ने की थी। तो दोस्तों जगमाल का नाम बांसवाड़ा के संस्थापक के रूप में भी लिया जाता है और इन्होंने ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना भी की थी जो कि छींच ग्राम में की। कलिंजरा के जैन मंदिर, ये मंदिर हिरण नदी के समीप कलिंजरा ग्राम में स्थित है। ये मंदिर जैनियों की दिगंबर शाखा के हैं। इनमें प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति है। त्रिपुरी सुंदरी, वसुंधरा राजे की आराध्य देवी तलवाड़ा के समीप त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है, जिसे तुरताई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अष्टभुज यानी अष्टदश भुजा मूर्ति है तथा प्रतिवर्ष नवरात्रों में मेला भरता है। अर्थुणा, प्राचीन नाम उत्थुनों के, प्राचीन काल में वागड़ के परमार शासकों की राजधानी। यहां मंडलेश्वर महादेव का मंदिर है। घोटिया अंबा, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अंबा स्थान पर बिताया था। यहां पांडवों की प्रतिमा भी है। यहां पर चैत्र की अमावस्या को विशाल मेला भरता है। भवानपुरा, बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल पीर की मजार स्थित है, यानी भवानपुरा में बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल पीर की मजार है। पाराहेड़ा, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव में मांडलिक द्वारा निर्मित मंडलेश्वर शिव मंदिर गंगेला तालाब के नजदीक स्थित है। घुणी, माही नदी के किनारे स्थित यह तीर्थस्थल कृष्ण की लीलाओं का धाम कहलाता है। यह तीर्थस्थल फसलों के रक्षक देव के रूप में भी प्रसिद्ध है। सुरवणिया, पुरातात्विक स्थल जहाँ से शक वंश के सिक्के प्राप्त हुए, यानी शक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं सुरवणिया नामक स्थान से, जो कि बांसवाड़ा में ही स्थित है। बांसवाड़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली बागड़ी या भीली बांसवाड़ा में बोली जाती है। हलमा, बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा हलमा कहलाती है। कुक्कुट पालन हेतु कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा में शुरू की गई। इंडो गोल्ड लिमिटेड, बांसवाड़ा में ऑस्ट्रेलियन फर्म की इंडो गोल्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा 3.85 करोड़ टन स्वर्ण भंडार खोजे गए हैं। ज्ञातव्य रहे कि राजस्थान में खनन के लिए इस प्रकार की मंजूरी पाने वाली यह पहली विदेशी कंपनी है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में
माही बजाज सागर बांध पर है। टिमरू, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है जिसे वागड़ क्षेत्र में टिमरू कहते हैं, ये बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। छेड़ा फाड़ना, भील समाज में पत्नी को त्यागने की प्रथा है। बांसवाड़ा जिले में ईसाई धर्म के व्यक्तियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक ईसाई समुदाय के लोग बांसवाड़ा में रहते हैं। पशुपालन विभाग ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की सहायता से बांसवाड़ा में बतख चूजा केंद्र की स्थापना की है। मक्के का सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म माही कंचन बांसवाड़ा के कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में शुरू की गई। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीके अभी, धन्यवाद।